डकैती की वारदात से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल कर रही है। हालांकि अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। मौके पर जायजा लेने के लिए INH संवाददाता संजय साहू ने पहुंचे वहां पर और मौके का वारदात का वहां पर उनके द्वारा जायजा लिया गया। संस्कारधानी जबलपुर इन दिनों महफूज नहीं रही है। चोरों और डकैतों का बोलबाला यहाँ पर बढ़ गया है। उसकी बानगी जो है वो जबलपुर के नेपियर टाउन स्थित पास इलाका कहलाता है जबलपुर का, जहाँ पर देखने मिली कि बीती रात एक दंपति जो यहाँ पर रहते थे उनके घर में डकैतों ने एक वारदात को अंजाम दिया। लगभग 7 से 8 डकैत यहाँ पर आए हुए थे। यही वो मकान है जहाँ दलवीर सिंह टुटेजा रहते हैं, जो कि स्पेयर पार्ट्स के व्यापारी हैं और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहते हैं। उनके साथ लूटपाट की गई और मारपीट की गई। इस घटना में जो 7 से 8 लोग आए हुए थे, सबसे पहले उन्होंने बुजुर्ग दंपति जो हैं उनकी पत्नी के सर पर राड मारी, जिससे वो दहशत में आ गए और लगभग 15 से 20 लाख रुपए का जो है वो नकदी एवं जेवरात लूट कर ले गए। हालांकि जो जानकारी दी जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि अभी ऑथेंटिक कितना गया है, क्या हुआ है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो 15 से 20 लाख रुपए के बीच की बताई जा रही है। अगर हम जबलपुर पाशला के नेपियर टाउन स्थित ओमती थाना क्षेत्र का ये मामला कहलाता है और यहाँ हम बात करें तो ये जो बाजू में जो मकान है, इस मकान के पिछवाड़े से वो लोग आए हुए थे और फिर साइड से एक सेंध बनाते हुए यहाँ से अंदर प्रवेश किए हैं। तो कह सकते हैं कि ये बड़ी घटना जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो इसमें जांच में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ सुराग हमको मिले हैं, उन सुरागों के आधार पर हम आरोपियों तक पहुँचेंगे। अब देखना ये होगा, चूँकि ये इस इलाके में चौथी बड़ी वारदात है। इसके पहले भी 3 डकैतियाँ हो चुकी हैं जिसका खुलासा आज तक पुलिस नहीं कर पाई। क्या ये खुलासा पुलिस कर पाएगी या नहीं, ये देखने की बात होगी। जबलपुर से हमारे सहयोगी कैमरामैन अनूप लाल के साथ संजय साहू INH 24x7। कटनी से इस वक्त